दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम रुपेश। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पेटीएम में बैंक अकाउंट को ऐड कैसे करते हैं। पिछले वीडियो में आपको बताया हूँ कि पेटीएम अकाउंट कैसे बनाते हैं, मिनी केवाईसी कंप्लीट कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने पेटीएम अकाउंट नहीं बनाया है तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पेटीएम में बैंक अकाउंट को ऐड कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इस तरह से हर वीडियो को देखने के लिए बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, घंटे को उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेटीएम में बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम अपने फ़ोन से पेटीएम ऐप को ओपन करेंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरह के इंटरफेस आएगा। बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा। पहले से बैंक अकाउंट ऐड होगा तो यहाँ पे यूपीआई आईडी शो हो जाएगा, और बैंक ऐड नहीं होगा तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, लिंक बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए आपको सिंपल सा लिंक बैंक अकाउंट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिससे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आपका खाता किस बैंक में है, यानी कि आपको अपना बैंक का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, यदि आपके बैंक का नाम नहीं मिल रहा है तो यहाँ से डायरेक्ट आप अपना बैंक का नाम सर्च भी कर सकते हैं। हमारा खाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, यहाँ पे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर थोड़ा समय तक वेट करना है, जब तक कि आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना है कि आपके जो बैंक में रजिस्टर्ड नंबर है वो इसी फ़ोन में लगा होना चाहिए, और उस पर आउटगोइंग इनकमिंग दोनों सर्विस चालू होना चाहिए, तभी आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा और आपका बैंक अकाउंट ऐड होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है और हमारा बैंक भी लिंक हो चुका है। दोस्तों, यदि आप अपने बैंक के साथ में पहले से यूपीआई पिन को सेट किए होंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको न्यू यूपीआई पिन सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप उसी यूपीआई पिन को आप यूज कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपने पहले से यूपीआई पिन को सेट नहीं किए हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको यूपीआई पिन को सेट करना होगा। यूपीआई पिन को सेट करने के लिए आपको एटीएम कार्ड का डिटेल डालना होगा। सबसे पहले आपको अपने एटीएम कार्ड का आखिरी का 6 नंबर डालना है। इसके बाद एटीएम कार्ड का वैलिड डेट यहाँ पे डालना है, मंथ और ईयर। इसके बाद आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के इंटरफेस आएगा। आपके बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा 6 नंबर का, और ओटीपी को यहाँ पे आपको डालना होगा। ओटीपी को डालने के बाद में आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह के इंटरफेस आएगा, और यहाँ पर आपको अपना यूपीआई पिन को सेट करना है। दोस्तों, किसी किसी बैंक में 4 नंबर का यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन आता है। किसी किसी बैंक में 4 नंबर का यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पे 6 नंबर का यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे 6 नंबर का यूपीआई पिन सेट करेंगे। तो दोस्तों, जो आप यूपीआई पिन सेट करना चाहते हैं उसको यहाँ पे आपको डालना है, जो रखना चाहते हैं। इसके बाद आपको राइट क्लिक पर क्लिक करना है। फिर से आपको दोबारा से उसी यूपीआई पिन को डालना है, फिर आपको राइट क्लिक पर क्लिक करना है, तो आपका यूपीआई पिन सेट हो जाएगा। दोस्तों, इस यूपीआई पिन को आपको याद भी रखना है, क्योंकि आप जब भी ट्रांजैक्शन कीजिएगा अपने बैंक के साथ में यूपीआई के थ्रू, तो इस पिन को आपकी ज़रूरत पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से पेटीएम में बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि पेटीएम से पेमेंट कैसे करते हैं, मोबाइल रिचार्ज बिल पेमेंट कैसे करते हैं। और फ्रेंड्स, आप पेटीएम से चाहे अपना बैंक अकाउंट को चेक करने के लिए तो आपको इस पर क्लिक करना है, जहाँ पर लिखा हुआ है बैलेंस एंड हिस्टोरी। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका बैंक का नाम शो हो जाएगा। अकाउंट बैलेंस को चेक करने के लिए आपको यहाँ पे चेक बैलेंस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह के इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अपना यूपीआई पिन को डालना है। इसके बाद आपको राइट क्लिक पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह के इंटरफेस आएगा, और आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा पेटीएम से मनी ट्रांसफर कैसे करते हैं, बिल पेमेंट कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट प्रॉब्लम या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।